नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो BLI 223 का तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडेक्सिंग। पूरी की पूरी जो BLI 223 है, जिसका नाम ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डॉक्यूमेंट है, ये पूरी की पूरी जो हमारा सब्जेक्ट है BLI 223, तीन सबसे मेन टॉपिक पे डिपेंड करता है। एक हो गया हमारा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक है हमारा लाइब्रेरी कैटलॉगिंग और एक है हमारा लाइब्रेरी इंडेक्सिंग। आज हम इस इंडेक्सिंग के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। इंडेक्सिंग बेसिकली होता क्या है? इंडेक्सिंग का मतलब होता है इंडिकेट और पॉइंट आउट। इंडेक्सिंग का सबसे जो मेन मतलब है वो होता है इंडेक्सिंग, इंडिकेट और पॉइंट आउट। यानी कि कोई भी हमें डॉक्यूमेंट दे दिया जाए, अब कोई डॉक्यूमेंट हुआ, कोई बुक हुई, कुछ भी हुआ, उस बुक को पूरी तरीके से एग्जामिन करने के बाद, पूरी तरीके से उसकी रीडिंग मारने के बाद, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसके अंदर का जो कंटेंट है, उसको छोटे छोटे पॉइंट में लिखना, छोटे छोटे पॉइंट में उसको प्रेजेंट करना, यही काम पूरी की पूरी इंडेक्सिंग में होता है। तो हमारा जो इंडेक्सिंग का अर्थ हुआ, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी बुक्स वगैरह को एग्जामिन करके उसके अंदर से पॉइंट वगैरह ढूंढ के निकालना, यही इंडेक्सिंग का सबसे मेन काम होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, अब ये सब्जेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है? सब्जेक्ट इंडेक्सिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के बाद, डॉक्यूमेंट की पूरी तरीके से रीडिंग निकालने के बाद, उसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर है कि वो किस सब्जेक्ट पर पूरी की पूरी बुक है, उसका जो ऑथर है वो ज़्यादातर किस सब्जेक्ट पे अपनी बुक नरेट करता है, तो उस सब्जेक्ट मैटर को ढूंढ के निकालना ही जो काम होता है वो हमारा सब्जेक्ट इंडेक्सिंग में आता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है वो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग लैंग्वेज देखिए, सॉरी लाइब्रेरी नहीं, नेचुरल लैंग्वेज एंड इंडेक्सिंग लैंग्वेज। तो ये नेचुरल लैंग्वेज और इंडेक्सिंग लैंग्वेज है क्या और इसके अंदर में फर्क क्या क्या है? जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो हम अपनी आम दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो होती है नेचुरल लैंग्वेज। वहीं पे जब हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल इंडेक्सिंग करने के लिए करते हैं वो होती है इंडेक्सिंग लैंग्वेज। इंडेक्सिंग, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस डॉक्यूमेंट में जो ऑथर ने लैंग्वेज यूज़ कर रखी है, कई बार वो टफ होती है, वो किसी भी यूज़र को, किसी भी रीडर को आसानी से समझ आने में, वो अवेलेबल आसानी से समझ में नहीं आ पाती है। ऐसे में हम एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसके द्वारा हम उस टफ लैंग्वेज को थोड़ा ईजी बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो यूज़र है उस सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, तो अगर हम अपने इंडेक्सिंग लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज के बीच डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क करें, तो इसमें क्या क्या फ़र्क आएगा? सबसे पहला फ़र्क आएगा कि जो इंडेक्सिंग लैंग्वेज होती है ये आर्टिफिशियल होती है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल होती है और जो नेचुरल लैंग्वेज होती है ये नेचुरल होती है। नेचुरल लैंग्वेज में हम किसी भी तरह का कोई फॉर्मेलिटी का ध्यान नहीं रखते। जैसे मान लीजिए हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड से बात करने में किस तरह की फॉर्मेलिटी, हम उसके साथ हाय, नमस्ते, हेलो, इस सब का इस्तेमाल ना करके क्या हाल है वगैरह वगैरह, मतलब एक नेचुरली वे में उस लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। वहीं पर जब हम इंडेक्सिंग करेंगे तो इंडेक्सिंग में हम फॉर्मेलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, हमें फॉर्मेलिटी को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। जो आपकी इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, इंडेक्सिंग लैंग्वेज में आप अपने जो डॉक्यूमेंट का इंडेक्स कर रहे हो, डॉक्यूमेंट की जो इंडेक्सिंग कर रहे हो, आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि वो यूज़र को समझ में आ सके, जबकि नेचुरल लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता।
जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो पूरी तरीके से होमोनिम्स और सिनोनिम्स के फ्री होती है, लेकिन नेचुरल जो जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसमें, जो इंडेक्सिंग लैंग्वेज होती है उसमें होमोनिम्स और सिनोनिम्स का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंडेक्सिंग के बारे में जाना। अगली वीडियो में मैं और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।